नमस्कार किसान भाइयों, आपका एसटीआर खेती में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि गेहूं की अच्छी पैदावार हम कैसे ले सकते हैं, वो भी जो घर पे हमारे बीज तैयार है पहले से और उसकी हम बुवाई करना चाहते हैं, या हम मार्केट से यदि बीज खरीद कर लाते हैं और बहुत अच्छी उपज देने वाली किस्म नहीं है, फिर भी हम अच्छी उपज कैसे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर हम विस्तार से बात करते हैं। यदि दोस्तों हम गेहूं की अधिक पैदावार लेने की सोच रहे हैं तो दो तीन तरीके ऐसे हैं जिनसे हम गेहूं की अच्छी उपज ले सकते हैं। इसमें से एक जो सबसे बेहतर तरीका माना जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष हम नई गेहूं की प्रजाति लें या नया बीज लें और उसकी बुआई करें, जिससे हमको जाहिर सी बात है कि अच्छी उपज मिलेगी। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि जो एक बार हम बीज की बुआई कर देते हैं उसकी लगातार 3 साल तक हम बुआई करके भी अच्छी उपज ले लेते हैं। और कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जब एक बार बीज खरीद लेते हैं या घर का रखा बीज लगातार उसी को बुआई करते रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जब हम बीज की किसी बुआई करते हैं तो उससे हम अच्छी पैदावार किन किन बातों को ध्यान रखते हैं और अच्छी पैदावार हमको मिल जाती है। एक तो दोस्तों हम नया बीज, बिल्कुल नई प्रजाति का नया बीज ही खरीदें और संशोधित बीज है उसी की बुआई करें तो हमको निश्चित ही अच्छी उपज मिलती है। दूसरी दोस्तों, यदि हम हाइब्रिड किस्मों का या रिसर्च बीजों का बुआई करते हैं तब भी हमको अच्छी उपज मिलती है। तीसरी दोस्तों, जो आम बात अक्सर किसान भाई प्रयोग करते हैं, जो एक बार बीज खरीद लेते हैं और उसकी लगातार 2 से 3 साल तक बुआई करते हैं जिससे उपज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये तरीके आमतौर पर काफ़ी किसान भाई अपनाते चले आ रहे हैं। लेकिन किसान दोस्तों, आज हम एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिसमें आप पुराने बीज जो घर पे आप लगातार इस्तेमाल करते हैं और घर के बीज की बुआई करना चाहते हैं तो उससे भी आप रिसर्च बीज या नए बीज जो होते हैं उनकी अपेक्षा बेहतर उपज ले सकते हैं या समान उपज ले सकते हैं। तो बस दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि दोस्तों एक वैरायटी है PVW 343, इसकी उत्तर प्रदेश में काफ़ी किसान भाई बुआई करते हैं और यदि आप इसकी बुआई करना चाहते हैं और अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो इसके साथ साथ दूसरी जो समान अवधि की किस्में हैं उनकी 50% मात्रा और 50% PVW 343 की मात्रा लेकर के साथ में मिला करके बुआई कर सकते हैं। जैसे 187 है या 226 है, इस प्रकार की प्रजातियों को लेकर के, या 373 है, ये इन प्रजातियों को 50% ले लीजिए और 343 प्रजाति जो है 50% आपको ले लेना है। या दोस्तों एक है PVW 154, इसको भी आप 343 के साथ मिला सकते हैं, यानी दो मिक्स प्रजातियों को आपको 50-50% लेकर के और बुआई कर देना है। यदि आप दो मिक्स प्रजातियों की बुआई कर देते हैं तो वैज्ञानिकों का मानना है कि आपको निश्चित ही बहुत अच्छी उपज मिल जाएगी, क्योंकि जब दो प्रजातियों को आप मिलवा प्रजातियों को बुआई करते हैं तो निश्चित आपको अच्छी उपज मिलती है। वैसे किसान भाइयों, इस समय जो फेमस प्रजातियां हैं 2967 जो HD 2967 है और 3086 है, इनकी काफ़ी किसान भाई बुआई करते हैं, तो 2967 यदि आप बुआई करना चाहते हैं तो 2967 के साथ जो दूसरी सेम अवधि की प्रजातियाँ हैं उसके साथ मिला करके भी बुआई कर सकते हैं यदि आपका बीज जो है 3 साल से पुराना हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आप किसी गेहूं की प्रजाति का चुनाव करते हैं और बुआई करना चाहते हैं तो, और वो पुरानी प्रजाति है तो निश्चित ही आप दूसरी 50% प्रजाति मिला करके बुआई कीजिए, आपको निश्चित ही अच्छा लाभ मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यदि आप ऐसा सोच रहे थे तो बुआई करने से पहले आप इन तरीकों को अपना करके एक बार ज़रूर देखिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।